बहुत बार ही आपने सुना है और देखा है कि आप हॉस्पिटल में गए लेकिन हॉस्पिटल ने कैशलेस देने से मना कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया और आपको पैसे देने पड़े और आपने बाद में इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्समेंट कराई। ऐसे 8 रीजंस हैं जो हम बात करेंगे जिसकी वजह से आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलता। ये रीजन आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आपका अगर नेक्स्ट टाइम कोई क्लेम आता है तो वो कैशलेस में ही अप्रूव हो जाए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 19 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोज लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। 8 रीजंस व्हाई योर कैशलेस क्लेम इज रिजेक्टेड। सबसे पहला फोरमोस्ट रीजन कि हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं है। अब ये क्या होता है कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हर इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस नेटवर्क टाइप हॉस्पिटल लिस्ट होती है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल से टाई अप करते हैं ताकि आपको कैशलेस ट्रीटमेंट दे पाए। आप किसी हॉस्पिटल में गए, वो इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में नहीं है तो कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं होगा। और ये लिस्ट परमानेंट नहीं है। मान लीजिए आज एक एक्स हॉस्पिटल आपकी कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट में दिख रहा है जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ली है, बट फ्यूचर में हो सकता है वो कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट में ना हो, वो हॉस्पिटल डीलिस्ट हो गया हो, उनकी लिस्ट में ना हो, उनका टाई अप रिविजन में हो। तो आप जब भी हॉस्पिटल जाएं उस टाइम पे आपको चेक करना जरूरी है कि करंट लेटेस्ट लिस्ट क्या है। बेस्ट होता है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी की एप्लीकेशन पे आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल्स मेंशनड होते हैं, या जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आप जाना चाह रहे हैं उसका नाम सर्च कर लें और चेक कर लें कि वो कैशलेस लिस्ट में है कि नहीं है। दूसरा रीजन, ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। अब ये क्या बला है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल तो समझ गए कि नेटवर्क में नहीं है, टाई अप नहीं है, इसलिए कैशलेस नहीं देंगे। ब्लैक लिस्टेड होता है जहां पे क्लेम देंगे ही नहीं। मतलब आप अगर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में चले गए गलती से, वहां पे ना आपको कैशलेस मिलेगा और ना ही रीइंबर्समेंट मिलेगा। ये चीज का बहुत 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 ध्यान रखिए, बिकॉज कई बार हम ध्यान नहीं देते हम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, या हमें लगता है कि वो कैशलेस में नहीं है तो हम रीइंबर्समेंट तो करवा ही लेंगे, बट अगर ब्लैक लिस्टेड है तो रीइंबर्समेंट भी नहीं हो पाएगा। सो रीइंबर्समेंट नहीं हो पाएगा तो आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं। तो आपको ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल, डीलिस्टेड हॉस्पिटल, अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स पे नहीं जाना है। कहाँ से देखेंगे, इसकी लिस्ट भी अवेलेबल होती है इंश्योरेंस कंपनीज की वेबसाइट पे, इंश्योरेंस कंपनीज की एप्लीकेशन पे। तो जाने से पहले क्विकली एक बार नजर मार लें, या अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछ लें, या इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करके पूछ लें कि ये हॉस्पिटल कहीं ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, होगा तो आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। थर्ड रीजन जिसकी बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास, कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला ये बोल के कि हॉस्पिटलाइजेशन वॉज नॉट जस्टिफाइड। अब ये क्या बला है, हॉस्पिटल तो गए, जस्टिफाइड कैसे नहीं है। सो हॉस्पिटल वॉज नॉट जस्टिफाइड का मतलब है कि जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो या तो आपका ओपीडी में हो सकता था, मतलब उसमें अगर आपको डॉक्टर ओरल मेडिसिन भी देते और घर पे ट्रीटमेंट करने के लिए बोलते तो वो भी चलता, उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी नहीं थी। मतलब अगर आपको हॉस्पिटल में रख के आपके सारे वाइटल सही हैं, आपके मतलब सारे टेस्ट रिपोर्ट सही आ रही हैं, कुछ डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में रखा है अंडर इवैल्यूएशन और इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ आपके टेस्ट कर रहे हैं और आपको इवैल्यूएशन के लिए रखा है, तो भी एज पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पेएबल नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाइड नहीं है। तो ये दोनों रीजंस हो सकते हैं जहां पे इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि आप एडमिट हुए हैं मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है क्लेम पे करने के लिए। ये पॉलिसी क्लॉज है 5.1.4, अगर आप एडमिट होते हैं तो सिर्फ और डायग्नोस्टिक टेस्ट और इवैल्यूएशन हो रहे हैं, मतलब आपके टेस्ट करके पता लगा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां पे, और प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल आपको फॉल्स अलार्म हुआ कि हो सकता है हार्ट अटैक हो, आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल में जाके, उन्होंने आपकी ECG की, TMT करी, इको करी, और उन्होंने बोला टेस्ट रिपोर्ट तो सारी सही है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी बिकॉज देयर इज नो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। आप रीइंबर्समेंट के लिए फाइट कर सकते हैं, आप रीइंबर्समेंट के लिए आ सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, मतलब हमेशा डिनाइल ऑफ कैशलेस क्लेम इज नॉट द डिनाइल ऑफ द एंटायर क्लेम। ऐसा नहीं है कि कैशलेस मना कर दिया तो बाद में भी नहीं देंगे, आप रीइंबर्समेंट में ट्राई कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैशलेस में नहीं क्लेम मिला लेकिन रीइंबर्समेंट में मिल गया, तो आप रीइंबर्समेंट के लिए डेफिनेटली आ सकते हैं किसी भी कंडीशन में, एक्सेप्ट ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल, वहां पर रीइंबर्समेंट भी नहीं मिलेगा। फोर्थ रीजन, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन, इसको स्लो ग्रोइंग इलनेसेस भी कहते हैं। मतलब मान लीजिए आज आपने पॉलिसी ली एंड विद इन 1 ईयर आप एडमिट हो गए फॉर स्टोन, जो कि मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज का स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स में आता है, मतलब स्लो ग्रोइंग इलनेस है स्टोन, अगर स्टोन से रिलेटेड कोई सर्जरी आप करा रहे हैं विद इन 1 ईयर ऑफ द पॉलिसी दैट विल नॉट बी कवर्ड।
तो वो कैशलेस में भी नहीं मिलेगा, आपको रीइंबर्समेंट में भी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से कवर्ड नहीं है। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आपकी पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है। इसीलिए आपको कहते हैं कि अपनी पॉलिसी वर्डिंग, अपना ब्रोशर, अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लें पॉलिसी लेने से पहले, सो दैट आपको क्लेम के टाइम पे ये ना लगे कि जब मुझे जरूरत थी मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। आपको अगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होगा कि व्हाट इज पेएबल एंड व्हाट इज नॉट पेएबल, तो क्लेम्स के टाइम पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। फिफ्थ जो सबसे बड़ा रीजन है कैशलेस क्लेम ना मिलने का, कई बार आपने सुना होगा कि जब आप एडमिट होते हैं तो वहां पे आता है कि क्रोनिसिटी ऑफ द इलनेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड राइट नाउ, सो वी विल नॉट बी एबल टू सेटल द क्लेम इन कैशलेस। इसका मतलब क्या है, किसी चीज के लिए आप एडमिट हुए और वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनफ नहीं है, जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो इनफ नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि पहले की प्रॉब्लम नहीं है, या क्लियरली दिख रहा है कि नॉन डिस्क्लोजर है, मतलब आपने पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं करा लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे वो इलनेस सामने निकल के आई जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है क्लेम के लिए। तो यहाँ पे कैशलेस तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, बिकॉज कहीं पे भी अगर इंश्योरेंस कंपनी को सस्पिशन हो गया, कोई भी ऐसा रेड फ्लैग दिख गया, तो वो क्लेम नहीं देंगे। आप रीइंबर्समेंट में ज़रूर फाइट कर सकते हैं विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, आप अपने एविडेंस, सारे प्रूफ्स दे सकते हैं जिसके बेसिस पे क्लेम सेटल हो सकता है और हुआ भी है। अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो बेसिकली वो कैशलेस में उनके पास टाइम होता है, 2 घंटा 3 घंटे में उनको क्लेम सेटल करना है, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। लेकिन जब रीइंबर्समेंट में आते हैं तो उनके पास टाइम है फॉर इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन, तो वो रीइंबर्समेंट में जनरली ऐसे क्लेम सेटल हो जाते हैं। बट अगर फिर से ध्यान रखिए, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं नॉन डिस्क्लोजर पे पॉलिसी मत लीजिए। बहुत बारी आप सबका यही क्वेश्चन आता है कि मैं नहीं बताऊंगा तो इंश्योरेंस कंपनी को कहां से पता लगेगा। पता लगता है, लोगों के क्लेम डिक्लाइन होते हैं और उस टाइम पे लोग कुछ नहीं कर पाते, दे आर जस्ट हेल्पलेस। तो इट्स बेटर कि सही चीज़ बता के इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको कुछ वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ जाएगा, आपको कुछ लोडिंग लग जाएगी, प्रीमियम एक्स्ट्रा लग जाएगा, दैट्स इट। बट नॉन डिस्क्लोजर पे पॉलिसी लेना इज़ नॉट एडवाइजेबल। और सबसे ज़्यादा क्लेम्स कैशलेस में डिक्लाइन भी उसी रीज़न की वजह से होते हैं, या तो नॉन डिस्क्लोजर है या इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही कितनी पुरानी प्रॉब्लम है, दे नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेट। एंड उस टाइम पे कैशलेस क्लेम अप्रूव नहीं होता तो आपकी पॉकेट में एक सेविंग्स में डेंट पड़ जाता है। उस टाइम तो आपको 2-3 लाख रुपए जो भी बिल है वो देना है हॉस्पिटल को, उसके बाद आप रीइंबर्स करते रहे, विच मे टेक अराउंड 30-35 डेज ऑल्सो। सो बी केयरफुल एंड डिस्क्लोज ऑल दी मटेरियल इन्फॉर्मेशन व्हाइल बाइंग द पॉलिसी। सेवेंथ रीजन, थोड़ा अनकॉमन रीजन है लेकिन होता है। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली जोन 2 के प्रीमियम से। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो कंट्री है वो डिवाइडेड है डिफरेंट जोन्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो जोन 1 में जनरली दिल्ली, NCR, मुंबई, गुजरात ये सिटीज आती हैं, और बाकी सिटीज जोन 2, जोन 3 एंड जैसे जैसे इंश्योरेंस कंपनी जोन्स डिवाइड करती है वैसे आती है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई भी सिटी जो जोन 2 में आती है, आपने वहाँ का प्रीमियम देके पॉलिसी ली थी। इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी लेते टाइम आपसे तो एड्रेस प्रूफ नहीं मांगा, आपको पॉलिसी दे दी, बट क्लेम के टाइम पे वो आपसे एड्रेस प्रूफ मांगेंगे। एंड जब आप एड्रेस प्रूफ देंगे, आइडेंटिटी प्रूफ देंगे, वहाँ पे अगर एड्रेस लेट से आपका जोन 1 का है तो वहाँ पे क्लैश हो जाएगा कि आप जोन 1 में रहते हो, आपने जोन 2 का प्रीमियम क्यों दिया, इसका मतलब आपने चीटिंग करी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, या आपने जोन 2 पे पॉलिसी ली थी, इन बिटवीन आप शिफ्ट हो गए जोन 1 में। तो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी है, अपना एड्रेस पॉलिसी में चेंज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कैशलेस में क्लैश हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस हो सकता है डिनाई भी कर दे। ये कह सकती है कि आप ये पहले आप बताइए कि आप जोन 2 का प्रीमियम देके जोन 1 के एड्रेस प्रूफ के साथ कैसे आ रहे हैं। देर इज़ नो ऑब्जेक्शन, देर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपकी जोन 2 का ही एड्रेस प्रूफ है, आप जोन 2 में ही रहते हैं और आप जोन 1 में ट्रीटमेंट कराने, वो आपकी चॉइस है, कंपनी आपको मना नहीं कर सकती। बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि जोन 1 के एड्रेस प्रूफ वालों ने भी जोन 2 की कुछ भी एड्रेस दिखा के पॉलिसी ली है और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं कैशलेस क्लेम्स में। तो जोनल कोपेमेंट के बारे में और जानने के लिए हमारी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, वो भी रेफर कर सकते हैं और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, अनकॉमन है लेकिन होता है। एट्थ पॉइंट है डिडक्टेबल, जहाँ पे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में डिडक्टेबल आ जाता है। मान लीजिए आप 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज यूज कर रहे हैं, लेट्स से बेस है 5 लाख का और टॉपअप है 95 लाख का, तो 5 लाख किसी और कंपनी से है, 95 लाख किसी और कंपनी से है, आपका बिल एक्सीड कर जाता है 5 लाख से, तो जो 5 लाख जिस कंपनी से आपने पॉलिसी ली है उनको क्लेम सेटलमेंट लेटर देना जरूरी है टू द सुपर टॉपअप वाली पॉलिसी। तो 5 लाख पे जो क्लेम सेटलमेंट लेटर देंगे, और वहां पे हो सकता है क्योंकि 2 कंपनीज इन्वॉल्व है तो डिले हो जाए क्लेम सेटलमेंट लेटर देने में, और जो ऊपर वाला क्लेम है वो आपका कैशलेस में ना हो पाए बिकॉज देर इज अ टाइम टू इट। तो अगर वहां से डिले होगा तो वो रीइंबर्समेंट में जाएगा ऊपर वाला क्लेम। तो इसीलिए बेस और सुपर टॉपअप पॉलिसी कोशिश कीजिए सेम ही इंश्योरेंस कंपनी से लीजिए, सो दैट क्लेम्स के टाइम पे ये 2 पॉलिसीज की हैसल्स आपको ना उठानी पड़े और इजिली आपका स्मूथली कैशलेस क्लेम ही हो जाए, आपको रीइंबर्समेंट में ना जाना। सो ये थे मेरी तरफ से पॉइंट्स कि कैशलेस क्लेम्स आपके क्यों रिजेक्ट होते हैं। अगर इसके अलावा आपने कुछ
और फेस किया हो, कभी आपका कोई एक्सपीरियंस हो कैशलेस क्लेम रिजेक्शन का, अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स तो मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. आई एम श्योर बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी और लर्निंग मिलेगी ताकि वो ये मिस्टेक ना करें और उनका इजिली कैशलेस क्लेम सेटलमेंट हो जाए हैसल फ्री. थैंक यू सो मच. एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.